हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एडवांस्ड एसईओ ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है गूगल पेनल्टी एंड उस पेनल्टी से बाहर कैसे निकला जाए। आपने या तो आपकी वेबसाइट पे आपने काफ़ी बार देखा होगा, सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा कि गूगल काफ़ी सारी वेबसाइट्स को आजकल पेनल्टी लगा रहा है। मैनुअल भी हो सकती है वो पेनल्टी और एल्गोरिथमिक भी हो सकती है। सो बेसिकली आज का टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी साइट पे पेनल्टी है या फिर आपके क्लाइंट की साइट पे पेनल्टी है तो आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेनल्टी होती क्या है। जनरली पेनल्टी एक ऐसी टर्म होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि जब भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर या फिर ट्रैफिक के अंदर एल्गोरिथमिक या फिर गूगल ने मैनुअल रिव्यू किया हो और आपका ट्रैफिक डाउन हो गया हो। अगर इस वजह से आपका ट्रैफिक डाउन है और अगर आपको गूगल से नोटिस आया है तो इसका मतलब आपकी साइट पे पेनल्टी लगी हुई है। आइए इस बात को हम डिटेल में एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। समझ लीजिए आपका वेब मास्टर आपकी वेबसाइट है और आपने गूगल वेब मास्टर टूल्स पे अकाउंट बना रखा है। तो जब भी आप वेब मास्टर टूल्स पे साइन इन करेंगे, आप जाइए वेब मास्टर, .google.com और अपना वेब मास्टर का अकाउंट लेके वहां पे साइन इन करिए। आपको जनरली कुछ भी पेनल्टी होती है तो उसका नोटिफिकेशन मेल में आ जाता है जो मेल आपके वेब मास्टर टूल से लिंक्ड है। जैसे मेरी ये वेबसाइट है एसईओ सर्विसेज जयपुर। अगर मैं इसको देखता हूं तो 20 मार्च को यहां पे पेनल्टी दिखा रखी है अननेचुरल आउटबाउंड लिंक्स की वजह से। तो जब भी आपको पेनल्टी लगती है, सबसे पहले जो आपके दिमाग में चीज आती है वो आती है घबराहट। आप सोचते हैं कि आपकी वेबसाइट को पेनल्टी क्यों लगी है और आप बहुत जल्दी बहुत पैनिक कर जाते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफाइन करके कि किस तरह की पेनल्टीज होती है। जनरली दो तरह की पेनल्टीज होती है, एक तो मैनुअल पेनल्टी होती है जो गूगल मैनुअली लगाते हैं और एक एल्गोरिथमिक पेनल्टी होती है जब गूगल ने कुछ चेंजेस किए हुए हों रिसेंटली या पिछले कुछ दिनों में कुछ एल्गोरिथम चेंज किए हो और उस वजह से आपका साइट का ट्रैफिक एकदम से डिक्लाइन कर गया हो। जनरली एल्गोरिथमिक पेनल्टी जब होती है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है गूगल से। जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमें आउटबाउंड अननेचुरल आउटबाउंड लिंक्स का नोटिफिकेशन आ रखा है गूगल से, तो ये मैनुअल पेनल्टी है। जब हम व्यू डिटेल्स में जाके इसकी डिटेल चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि गूगल लिखता है कि गूगल हैज डिटेक्टेड अ पैटर्न ऑफ आर्टिफिशियल और अननेचुरल लिंक्स ऑन द साइट सेलिंग लिंक्स और पार्टिसिपेटिंग इन लिंक स्कीम्स इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट पेज रैंक इज अ वायोलेशन ऑफ गूगल्स वेब मास्टर गाइडलाइन। फ्रेंड्स, जब भी आपकी साइट पे या आपकी क्लाइंट साइट पे कोई पेनल्टी लगे तो सबसे पहला आप काम ये करें कि घबराएं नहीं। सेकेंडली, आप डिटेल में जाके देखिए कि पेनल्टी किस वजह से लगी हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये वाला पार्ट है देखने का कि पेनल्टी अगर आपकी साइट पे है या आपकी क्लाइंट साइट पे है तो उसका रीजन क्या है। सॉरी, तो उसके बाद जब आपने एक बार ये रीजन देखा तब आपको समझ में आ जाएगा कि पेनल्टी किस वजह से है। अगर आप पैनिक करेंगे तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन ले नहीं पाएंगे। इस केस में गूगल ने ये लिखा हुआ है कि मेरी खुद की साइट से दूसरी साइट्स पे अननेचुरल और आर्टिफिशियल लिंक्स प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो अब इस पेनल्टी को दूर करने के लिए मुझे अपनी साइट को रिव्यू करना होगा, मुझे देखना होगा कि मेरी साइट से बाहर कहाँ कहाँ पे लिंक जा रहे हैं। तो मैं अपनी साइट पे जाता हूँ। जनरली मेरी साइट से जो दूसरी साइट्स को लिंक जा रहे हैं वो ब्लॉग में जा रहे हैं क्योंकि मैंने दूसरी साइट्स से काफी सारी गेस्ट पोस्टिंग्स ली हुई हैं
इसलिए एक आउटबाउंड लिंक हर गेस्ट पोस्टिंग के अंदर किसी दूसरी साइट से जा रहा है। तो जनरली गूगल ने इस तरह के लिंक जो आप ये देख रहे हैं, इस तरह के लिंक को लेके साइट पे पेनल्टी लगाई है। तो बेसिकली इसका सलूशन ये होगा कि या तो आप अपने साइट पे जाएं और इस तरह के लिंक सारे हटा दें, यहाँ से एंकर टेक्स्ट हटा दें और बिल्कुल इसको हाइपर लिंक हटा दें। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जनरली जो पेनल्टी आपकी लगती है, वो आपकी पेनल्टी लगती है उसका रीज़न होता है डू फॉलो लिंक्स। अगर आपके लिंक्स नो फॉलो हैं तो गूगल उनको कंसिडर नहीं करता पेनल्टी लगाते वक्त। तो आप दूसरा काम, अगर इस पेनल्टी से आपको बाहर निकलना है और आप चाहते नहीं हैं लिंक हटाना, तो आप जाके हर एक जो आउटबाउंड लिंक आपकी साइट पे जा रहा है उस आउटबाउंड लिंक को आप डू फॉलो से नो फॉलो कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर मैंने क्या किया, मैं अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर गया, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया जो एक्सटेंशन हर आउटबाउंड लिंक को नो फॉलो कर देता है, वो फ्री एक्सटेंशन था। एंड उसके बाद मैंने, जब ये सारे लिंक्स नो फॉलो हो गए, तो उसके बाद मैं वापस गया, मैंने रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट गूगल को सबमिट किया। आप देखिए इसका डिटेल, जब आप रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको ये मैसेज आएगा। 22 मार्च 2014 को मैंने रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट सबमिट किया था, 20 मार्च 2014 को मुझे पेनल्टी लगी थी एंड 27 मार्च 2014 को मुझे गूगल से मैसेज आ गया था कि ये पेनल्टी हटा ली गई है। सो फ्रेंड्स, बेसिक सबसे पहले आपको जो चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में डालनी है वो ये डालनी है कि कभी भी पेनल्टी लगे आप पैनिक ना करें और उस पेनल्टी को समझें कि वो पेनल्टी किस बात के लिए लगाई गई। ये एक एग्जाम्पल था जहाँ पे एक मैनुअल पेनल्टी लगाई गई थी आउटबाउंड लिंक के लिए। अब इसी तरह से एक मैनुअल पेनल्टी आपकी साइट पे लग सकती है इनबाउंड लिंक के लिए। उस केस में, इनबाउंड लिंक के केस में क्या होगा, आपको जाके अपने हर एक लिंक को, बैक लिंक को चेक करना पड़ेगा कि आपके बैक लिंक कैसे हैं। अगर वहाँ पे आपने स्पैम लिंक्स बिल्ड कर रखे हैं तो आपको वो सब स्पैम लिंक्स हटाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी साइट ये है, मान लीजिए इस साइट पे आउटबाउंड इनबाउंड लिंक्स की भी पेनल्टी लग रखी है, तो मैं साइट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे सर्च ट्रैफिक में जाऊंगा मैं, और सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो मेरे बैक लिंक्स डाउनलोड करने का होगा। मुझे ये देखना है कि मेरी साइट को कहाँ कहाँ से लिंक्स मिल रहे हैं, तो मैं लिंक्स टू योर साइट में जाऊंगा। फ्रेंड्स, जनरली मैंने देखा है देर आर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, आप जहाँ पे जाके लिंक्स चेक कर सकते हैं, अलग अलग जगह से आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे कि कौन कौन सी यूआरएल्स आपकी साइट से लिंक कर रही है। बट मैं हमेशा रिलाई करता हूँ गूगल वेब मास्टर टूल पे और यहाँ से निकाले गए डेटा पे। तो आप यहाँ लिंक्स टू योर साइट में जाएंगे, यहाँ पे आप मोर करेंगे एंड डाउनलोड मोर सैम्पल लिंक्स। यहाँ से आप डाउनलोड मोर सैम्पल लिंक्स करेंगे तो एक सीएसवी ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके बैक लिंक्स का एक पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। जब आपके बैक लिंक्स का लिस्ट ओपन हो गया तो अब जो मेन आपका काम रहेगा वो आपका एनालाइज करने का रहेगा कि ये लिंक्स आपको जो आपकी साइट पे आ रहे हैं, जो इनबाउंड लिंक्स हैं, वो बेसिकली स्पैम है या नेचुरल लिंक्स हैं। सिंस आपकी साइट पे पेनल्टी इन लिंक्स की वजह से लगी है, तो आपका सबसे पहला जो काम है वो इन लिंक्स को क्लीन अप करने का है। और ख़राब लिंक्स या तो आप हटवाएंगे साइट ओनर से बात करके, मेल करके, या फिर आप उसको, अगर वो हट नहीं सकता, साइट ओनर नहीं हटाने को तैयार है, तो आप उस लिंक को गूगल के डिसवाव टूल यूज़ करके उसको डिसवाव कर देंगे। अब जैसे ये समझ लीजिए हमारी साइट पे यहाँ से लिंक आ रहा है, ये वाली साइट हमको लिंक कर रही है, तो हम जाएंगे यहाँ पे, ये यूआरएल डालेंगे, सोर्स कोड में देखेंगे कि वो लिंक ये देखिए यहाँ पे वो लिंक आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ से आपको साइट
लिंक कर रही है। तो जनरली आप सोर्स कोड में भी देख सकते हैं, अगर आप सोर्स कोड में नहीं देखना चाहें तो आपको काफ़ी बार वैसे भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारी साइट पे कहाँ से लिंक आ रहा है। हम अपना डोमेन सर्च कर रहे हैं, SEO सर्विसेज जयपुर। आप देखेंगे कि यहाँ पे इस नाम से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस साइट पे आपका लिंक पहले था बट अब हट चुका है। तो गूगल का जो भी डेटा आप वहाँ से बैक लिंक का ये एक्सेल निकालते हैं, ये थोड़ा पुराना होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली आज के डेट के हिसाब से ही लिंक हो। तो मतलब इस साइट पे आपका लिंक था बट हट चुका है। अगर ये लिंक हट चुका है और आपको नहीं मिल रहा, तो इसे आप बिल्कुल वरी फ्री हटा सकते हैं। आपको इस लिंक के बारे में टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक दूसरा लिंक चेक करते हैं, जिसे आप ये वाले URL पे जाइए। इस वाले URL पे जाके आप फिर चेक करेंगे कि आपकी साइट को यहाँ से कहाँ से लिंक मिला है। यहाँ पे भी कोई लिंक नहीं है। आप और URL, तो अधिकतर क्या होता है, ये वाले जो लिंक्स डेड लिंक्स हैं, ये 1 महीने के अंदर, 1 महीने के आसपास अपने आप, आप नेक्स्ट मंथ में देखेंगे तो ये लिंक्स यहाँ से हट चुके होंगे। जैसे आप इस साइट पे जाएंगे और हम इस पे जनरली ऐसे आप हर URL चेक करेंगे ये देखने के लिए कि जहाँ पे आपके लिंक्स हैं क्या वो लिंक्स ठीक हैं या नहीं है। जो लिंक्स ठीक नहीं हैं या स्पैम लिंक्स हैं या आपने किसी को पे करके वो लिंक्स लिए हुए हैं, तो आपको वो लिंक्स हटाने होंगे। जैसे आप ये देखिए, ये हमारा बैक लिंक यहाँ पे है। अब जैसे मुझे पूरे पेज पे फाइंड करना पड़ा है, काफ़ी बार ये पेज बहुत लंबा हो सकता है, हो सकता है आपको ढूंढने में दिक्कत हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पेज पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए एंड व्यू पेज सोर्स में जाइए एंड फिर अपना डोमेन डाल लीजिए SEO। और आपको पता पड़ जाएगा कि आपका लिंक कहाँ पे है। जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये URL लिंक हो रही है और ये एंकर टेक्स्ट है, मतलब इस नाम से उस पेज पे आपकी साइट का लिंक आया हुआ है। आप अपने इस डाउनलोड जो आपने एक्सेल किया, आप हर एक लिंक को जाके आप चेक करेंगे एंड आप चेक करके ये डिटरमाइन करेंगे कि ये लिंक ठीक है या नहीं है। कुछ फैक्टर्स आप यूज कर सकते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या ये लिंक ठीक है या नहीं है। बेसिकली कोई भी लिंक, जैसे समझ लीजिए किसी पेज पे 100 कमेंट किए हुए हैं और 101वां कमेंट आपका है, किसी पेज पे 70 कमेंट्स हो रखे हैं, 71st कमेंट आपका है, तो जनरली ऐसे पेजेस को आप स्पैम मान सकते हैं, जहाँ पे कोई भी आके कमेंट पोस्ट कर सकता है, जहाँ पे कोई भी आके लिंक ले सकता है। दूसरी चीज़, आप काफ़ी सारी साइट्स पे देखते हैं आजकल गेस्ट ब्लॉगिंग का बहुत ट्रेंड है, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग का बड़ा ट्रेंड है, तो कोई भी ऐसी साइट जो आप, जहाँ पे आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं और उस आर्टिकल पोस्ट करने के आप पैसे दे रहे हैं, वो आप लिंक्स ऐसे मान सकते हैं जो गूगल फेवर नहीं करता, ऐसे लिंक्स आपको हटाने पड़ेंगे। तो जनरली आप जब भी ऐसी लिस्ट निकालें, उसके आगे आप ये लिख लें कि आपको लिंक्स हटाने हैं या नहीं हटाने हैं, लिंक्स टू बी रिमूव्ड और नॉट रिमूव्ड। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यस लिख देता हूँ, यहाँ पे भी यस लिख देता हूँ। आपको हर एक
कुछ चेक करना पड़ेगा, जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए और हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच सके, इसलिए मैं इसको यस कर रहा हूँ। समझ लीजिए कुछ लिंक्स हैं जो आपको हटाने हैं, जो आपको लगता है कि जिनकी वजह से आपको मैनुअल पेनल्टी लग रखी है गूगल की। अब आप उसके बाद क्या करेंगे कि इन साइट्स पे जाएंगे, यहाँ से साइट ओनर का कॉन्टैक्ट डिटेल निकालेंगे, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस भी हो सकता है या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हो सकता है साइट पे। आप वहाँ से ओनर का ईमेल एड्रेस निकाल के ओनर के साथ या साइट ओनर के साथ आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी उनसे ये लिंक हटवाने के लिए। तो आप यहाँ से कहीं से भी कॉन्टैक्ट फॉर्म, जनरली अधिकतर साइट्स में आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं, काफ़ी कम साइट्स में ही ईमेल एड्रेस मिल पाते हैं। साइट में तो शायद कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मुझे दिख नहीं रहा है। अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं मिल रहा, तो बेसिकली उसमें आप ये कर सकते हैं कि उस साइट को आप इग्नोर कर सकते हैं, और जब भी आप अपनी डिसअवाउ लिस्ट गूगल को सबमिट करेंगे तो आप उसमें गूगल को ये बता सकते हैं कि इस साइट का आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं मिला। ये वाली जो साइट मैंने ली है, जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ली है, मैं इस एनालिसिस का मतलब या इस एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं है कि ये साइट बहुत अच्छी है या फिर बहुत बुरी है। जस्ट मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप अपनी, अगर आपने कुछ ख़राब लिंक्स या कुछ स्पैम लिंक्स आइडेंटिफाई करे हैं तो उनको आपको रिमूव करने का क्या प्रोसेस है। तो समझ लीजिए हमें इस साइट पर एग्जाम्पल, ये बेसिकली एक ईमेल एड्रेस मिल गया, तो हम इस साइट ओनर को ईमेल डालेंगे एंड हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा लिंक है साइट पे उसे वो रिमूव कर दे, एंड रिमूव करने के बाद हमें रिवर्ट बैक कर दे। अब फ्रेंड्स, इस केस में दो तीन सिचुएशंस हो सकती है। या तो साइट ओनर फर्स्ट सिचुएशन है कि आपको जवाब ही वापस नहीं देंगे, आपने दो बार मेल डाला बट किसी ने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास रिस्पॉन्स आया बट साइट ओनर्स ने आपसे कुछ पैसे मांगे वो लिंक हटाने के लिए। एंड तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि साइट ओनर ने वो लिंक हटा दिया एंड उसके लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगा, जो कि सबसे आइडियल सिचुएशन है। नाउ पहली कंडीशन वो है जहाँ पे साइट ओनर का आपको रिस्पॉन्स नहीं आया। जब आपको साइट ओनर का रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको बेसिकली ये लिंक डिसवाव टूल के लिए डिसवाव लिस्ट में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये यूआरएल लिया, हमने वो यूआरएल लिया जहाँ पे हमारा लिंक था, अपनी डिसअवाउ लिस्ट बनाई, यहाँ पे हैश लगा के हर लिंक के आगे हम स्टेटस लिखेंगे कि हमने क्या एफर्ट किए उसको हटाने के लिए एंड हमें क्या जवाब मिला। तो हम लिखेंगे कॉन्टैक्टेड द वेबसाइट ओनर बट देर वॉज नो रिस्पॉन्स। समझ लीजिए इस केस में अगर वो आपसे कुछ पैसे मांगते हैं लिंक्स हटाने के लिए, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्टैक्टेड द वेबसाइट ओनर बट ही आस्क्ड फॉर मनी टू रिमूव द लिंक। ऐसे आपकी डिसअवाउ लिस्ट बनेगी जहाँ पे आप और भी यूआरएल्स डालेंगे एंड हर एक के साथ में रीज़न डालेंगे। बेसिकली इसमें आप वही यूआरएल्स इंक्लूड करेंगे जो कि आप हटवा नहीं पाए हैं। अगर कोई साइट ओनर आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो लिंक हटा देते हैं तो आपको वो यूआरएल यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी डिसअवाउ लिस्ट रेडी हो गई तो आप जाएंगे वेब मास्टर टूल्स के अंदर,
swaolinks, आप देख लीजिए URL google.com/webmasters/tools/diswao-links-main। आप अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे, डिस्वाओ लिंक्स में जाएंगे। फ्रेंड्स, डिस्वाओ लिस्ट या किसी भी लिंक को डिस्वाओ करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझ लें कि एक बार डिस्वाओ करने के बाद उस लिंक की आपके लिए वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप अच्छे लिंक्स को डिस्वाओ कर रहे हैं तो आप अपनी साइट पे से जो SEO वैल्यू है वो कम कर रहे हैं। इसलिए डिस्वाओ लिस्ट आप जब भी बनाएं या जब भी इस स्टेप पे प्रोसीड करें, जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि जो लिंक आपने उसके अंदर डाला है डिस्वाओ लिस्ट के अंदर, वो एक्चुअली स्पैम लिंक है या एक्चुअली वो लो क्वालिटी लिंक है और आपको हटाना ही चाहिए वो लिंक, तो आप डिस्वाओ लिंक्स पे क्लिक करें। टेक्स्ट फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, चूज फाइल करें जो आपने अभी अभी एक लिस्ट बनाई थी। चूज फाइल करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं उस फाइल को एंड डन पे क्लिक करके। अब जब आपने डिस्वाओ लिस्ट सबमिट कर दी है तो उसके बाद आपकी पेनल्टी हटाने के लिए आपको रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट भी गूगल को भेजनी पड़ेगी। बट सबमिट करने के बाद डिस्वाओ लिस्ट आप 3-4 दिन का गैप ले, आप अराउंड 1 हफ्ते का गैप ले सेफर साइट पे होने के लिए, एंड 1 हफ्ते बाद आप गूगल को रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट भेजें। जिस हिसाब से वो रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट का जवाब आता है, या तो आपकी पेनल्टी हटा ली जाएगी या आपको गूगल का रिस्पॉन्स आएगा कि उनको और लिंक्स मिले हैं स्पैम आपकी साइट पे या कुछ और प्रॉब्लम्स मिली है। जैसा उनका रिस्पॉन्स आता है, अगर और स्पैम लिंक्स मिले हैं तो आपको और अपनी लिस्ट के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कुछ स्पैम लिंक्स आपने मिस आउट तो नहीं कर दिया, कुछ ऐसे लिंक्स है जो आपने छोड़ तो नहीं दिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप वापस यही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, वापस स्पैम लिंक्स को देखेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे साइट ओनर्स को हटाने के लिए, नहीं हट पाता वो लिंक तो आप जाके डिस्वाओ कर देंगे। ये तो बात हुई मैनुअल पेनल्टी की। अब दूसरी तरह की पेनल्टी फ्रेंड्स होती है एल्गोरिथमिक पेनल्टी, जहाँ पे आपको गूगल का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। मैनुअल पेनल्टी के केस में जैसे आपको ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, बट एल्गोरिथमिक पेनल्टी के केस में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। उस केस में जनरली होता क्या है, समझ लीजिए आपका ट्रैफिक एक बहुत स्टेबल पेस पे पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, बट आप वेबमास्टर टूल्स में, आप गूगल एनालिटिक्स में एक बार लॉगिन करते हैं, वेबमास्टर टूल्स नहीं गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करना होगा, और आप देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपका ट्रैफिक डिक्लाइन हो गया और उसके बाद डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है और डिक्लाइन होता जा रहा है। ये एक एल्गोरिथमिक पेनल्टी की वजह से हो सकता है। जनरली एल्गोरिथमिक पेनल्टी में क्या होता है, जब ट्रैफिक डिक्लाइन का जो टाइम होता है वो किसी गूगल की एल्गोरिथम अपडेट के आसपास से होता है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जब आपने ट्रैफिक डिक्लाइन देखा, आप गूगल पे जाइए और आप पढ़ने की या गूगल में सर्च कीजिए गूगल SEO अपडेट्स, गूगल एल्गोरिथमिक अपडेट, तो आपको पता पड़ जाएगा कि उन दिनों में कौन सी गूगल ने अपडेट रिलीज की है जिस वजह से आपका ट्रैफिक डिक्लाइन है। तो फ्रेंड्स, अपडेट ये एक बार आपका इस वजह से ट्रैफिक डिक्लाइन है तो उसके दो फैक्टर्स या कुछ और अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। बेसिकली या तो आपकी साइट पे लो क्वालिटी कंटेंट है, या आपने एड्स बहुत लगा रखे हैं, एड्स का प्लेसमेंट आपने गलत कर रखा है, जो आपकी साइट का स्ट्रक्चर है उसको लेके प्रॉब्लम है, और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपके बैकलिंक्स खराब है। अगर आपके बैकलिंक्स खराब है तो बट गूगल ने आपको एल्गोरिथमिक पेनल्टी में डाला है बजाय मैनुअल पेनल्टी के। अगर एल्गोरिथमिक पेनल्टी भी है तो उसके लिए आपको बैकलिंक्स ही जाके क्लीन अप करना पड़ेंगे, लेकिन उस केस में आपको बैकलिंक्स इस प्रोसेस जैसे आपने डिस्वाओ लिस्ट प्रिपेयर की, पहले कॉन्टैक्ट किया, उसी तरह से साइट ओनर्स को कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्वाओ लिंक प्रिपेयर करिए, ठीक है। लेकिन मैनुअल पेनल्टी के अंदर जाके आप एक स्टेप और लेते हैं, जब आप बेसिकली डिस्वाओ लिस्ट प्रिपेयर करके सबमिट करते हैं, उसके 1 हफ्ते बाद मैनुअल पेनल्टी के अंदर आप रिक्वेस्ट रिव्यू करते हैं साइट का। जनरली ये स्टेप आप एल्गोरिथमिक पेनल्टी में नहीं करते। एल्गोरिथमिक पेनल्टी में आप डिस्वाओ लिस्ट बनाएंगे, गूगल को डिस्वाओ लिस्ट सबमिट करेंगे एंड फिर वेट करेंगे अपने आप कि कब आपकी साइट की रैंकिंग रिकवर हो, जो कि जनरली अगली एल्गोरिथमिक चेंज के आसपास अपने आप रिकवर होने लग जाती है। अगर आपको मैनुअल पेनल्टी लगी हुई है तो उसके लिए आपको जाके एक रिव्यू सबमिट और रिव्यू वाला ऑप्शन चूज करके गूगल को बेसिकली एक रिव्यू करना, रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा
जिस बेसिस पे वो आपकी साइट रिव्यू करके या तो पेनल्टी हटा लेंगे या आपको वापस एक नोटिस नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आपको पेनल्टी अभी कंटिन्यू है, तो वो किस वजह से, या फिर वो पेनल्टी हटा नहीं पा रहे तो किस वजह से हटा नहीं पा रहे। बस जनरली आप एक बार ये पेनल्टी हट जाती है उसके बाद आप काफ़ी सारे फैक्टर्स का ये ध्यान रखिए कि जब भी आप लिंक्स बिल्ड करें एक तो बिल्कुल कॉशियसली लिंक बिल्ड करें। पहले जो सिनेरियो होता था जहाँ पे आप अननेसेसरी डायरेक्टरी सबमिशन करे जा रहे हैं, सोशल बुक मार्किंग करे जा रहे हैं, दिन ब दिन फोरम्स में पोस्टिंग करे जा रहे हैं विदाउट एनी रीजन, बस जस्ट बैक लिंक्स बना रहे हैं, वो सब आप काम खत्म कर दें। अब जो टाइम है वो बिल्कुल कम लिंक्स का है, बेसिकली लेस बैक लिंक्स, बट उनका क्वालिटी जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। अगर आप ये सब ध्यान में रखते हैं तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम आप अपने आप को एक बहुत इस पेनल्टी वाली सिचुएशन में आने से अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।